ये हमने सीरीज सर्किट बनाया, इससे पहले भी हम सीरीज सर्किट बना चुके हैं, लेकिन जो पहले सीरीज सर्किट बनाया था वो काफ़ी कॉस्टली था। उसमें हर पॉइंट पे एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर लगाया था। तो अब इसको मैंने सिंपल किया है, इसमें तमाम फंक्शंस मौजूद हैं और ये हमें इकोनॉमिकल पड़ता है। बस इसमें मैंने सेटिंग सारी इसकी बना दी है। आपके पास ये एवोमीटर का होना ज़रूरी है, ठीक है जी। इसमें मैंने 3 बल्ब लगाए हैं, आप देख सकते हैं सीरीज़ में लगे हैं। मैं अब आपको करंट और वोल्टेज की डिवीज़न चेक करवाता हूँ। हमने पढ़ा है सीरीज़ में जो बैटरी के वोल्टेज होते हैं वो सबको डिवाइड हो जाते हैं। अब चेक कीजिए कि बैटरी को जो वोल्टेज है वो यहाँ से चेक होंगे, बैटरी के 24.4 24 वोल्ट हैं, और उन 24 में से आप देखिए इस बल्ब को कितने मिले हैं, 4.5 इसको मिल गए और 4.5 तकरीबन इसको मिल गए, और इसको देखिए 15 मिल गए। तो आप देखिए 24 हैं तो तीनों में तकसीम हो गए। फिर हमने पढ़ा है कि सीरीज़ में करंट जो होता है वो सेम रहता है, जितना बैटरी का सबको सेम मिलेगा। करंट कैसे चेक करना है, मीटर की सेटिंग एम्पेयर मीटर पे करो, ये सेटिंग देख लें, इस बटन को ऑफ़ करें, यहाँ पे लगाएं, तो ये टोटल करंट 0.25 है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, इस बल्ब से भी 0.25 है, और इस बल्ब से चेक करें, इससे भी 0.25 है, इस बल्ब से चेक करें तो इससे भी 0.25 है। तो आपने देखा कि सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। और आप चेक कीजिए, सबसे कम रेजिस्टेंस वाला बल्ब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला सबसे ज़्यादा ग्लो करता है। बाकी ये सारा डाटा आप पहले से ही जानते हैं।